सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हाँ दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले एक काफ़ी बड़ा न्यूज़ चैनल है टाइम्स नाउ करके, उस पर एक थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम के अंदर कुछ भी नहीं था, प्रोग्राम के अंदर इम्पॉर्टेंट ये था कि उस प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर्स आए थे। डॉक्टर्स ने कहा कि जो CBSE क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे हैं वो अगर एग्ज़ाम देने जाते तो उनको काफ़ी रिस्क होगा। कोविड का जो नया डबल म्यूटेंट आया है उसका रिस्क बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा होगा, और जब बच्चों के एग्ज़ाम हो गए उस टाइम होगा थर्ड वेव का, और उस टाइम अगर बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो बच्चों के ऊपर काफ़ी रिस्क होगा। और ये भी मानना है डॉक्टर का कि जो ये जो कोविड का नया डबल म्यूटेंट आया है ये ज़्यादातर बच्चों पे ही रिस्क दे रहा है। जो एज पर्सन है उनको तो रिस्क है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ही इसमें हो रहे हैं। जैसे एज होगी 18 से 25 तक, 15 से 20 तक, मतलब ये जो एज ग्रुप है, ये जो बच्चे हैं इनको काफ़ी रिस्क हो रहा है, डॉक्टर का ये मानना है। टाइम्स नाउ वही न्यूज़ वेबसाइट है जहाँ पर परसों एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव मैम गए थे, उन्होंने वहाँ पर अपनी बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो बताई थी, क्यों क्लास 12th के एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए, ये सारी बातें उसी न्यूज़ चैनल पे बताई थी। और उन्हीं न्यूज़ चैनल ने कल प्रोग्राम चलाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि क्लास 12th के एग्ज़ाम लेने सही है या गलत है। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि अगर गवर्नमेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा सकती तो ऑनलाइन एग्ज़ाम बेस्ट सोर्स है। बाकी अभी एग्ज़ाम लेना गवर्नमेंट के लिए भी रिस्की होगा और बच्चों के लिए भी रिस्की होगा। तो डॉक्टर का तो यही कहना था कि अभी जो डबल म्यूटेंट चल रहा है बहुत ज़्यादा, थर्ड वेव का भी टाइम है, तो मास गैदरिंग और बच्चों के लिए मास गैदरिंग काफ़ी खतरा है। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि अभी हो सके तो एग्ज़ाम को पोस्टपोन या कैंसिल कर देने चाहिए, क्योंकि बच्चों की भी हेल्थ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम तो बच्चे हो गए तो वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन हेल्थ ख़राब होगी तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क का माहौल बन जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात उन्होंने बोली, और मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट अब बात समझेगी और जल्दी अच्छा डिसीजन देगी। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, आप चाहो तो प्रोग्राम देख सकते हो। मेरे को ये पूरी प्रोग्राम की जानकारी मैंने लाइव देखा तभी मेरे को पता लगा। अगर आप उस प्रोग्राम को देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे टाइम्स नाउ का खुद का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाके आप इस प्रोग्राम को देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, अपने फैमिली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहो।